प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए विषय लेकर आए हैं गुणा। बड़ी से बड़ी संख्याओं का गुणा हम कम समय में किस प्रकार से सरलता से हल करते हैं और उसका सही उत्तर हमको प्राप्त हो जाता है, ऐसे प्रश्न को लेकर हम आपके लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। प्यारे साथियों, आपको गणित में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गणित के जादूगर मालिक राम वर्माचार्य जी आपको बड़े से बड़े प्रश्नों का गुणा बहुत कम समय में एक ही पंक्ति में किस प्रकार हल करते हैं ये बताने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो पहले बार इस वीडियो से जुड़े हैं वो यूट्यूब पर जाकर मालिक राम वर्मा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो है वो आपको पहले ही प्राप्त हो जाए और गणित के भय के भूत जो आपके मन में बैठा हुआ है वह भूत भाग जाए। आपके मन के बैठा हुआ भय के भूत को भगाने के लिए ही यहाँ हम विषय लेकर आए हैं। तो चलते हैं आज हम गुणा में, कि बड़े से बड़े प्रश्नों का गुणा किस प्रकार से हम सरलता से करते हैं। आज हम वे संख्या लेंगे जो 10, 100, 1000 इसके निकट हो। 10, 100, 1000 के निकट अर्थात उसके आसपास की संख्या हो और उसको हम बहुत ही सरलता से किस प्रकार से हल करेंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। ध्यान पूर्वक देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छे समझिएगा। जब प्रश्न आपको समझ आ जाए तो आप अपने घरों में और बहुत से प्रश्न बना सकते हैं। देखिए, हम आपके विषय पर बहुत जल्द पहुंचते हैं। पहले मैं छोटा छोटा प्रश्न लेते हुए आगे क्रमशः पढ़ूंगा। ध्यान से देखिएगा वीडियो। पहले मैं 9×8 ये 10 के निकट है और हम इसमें न 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे और न ही 8 का, फिर भी हमारा प्रश्न किस प्रकार से सरलता से बनता है ये आपको ध्यानपूर्वक देखना है। देखिए, हम ये देखेंगे कि 9 10 से कितना कम है, तो 10 से 1 कम है। हम यहाँ समझने के लिए लिख लेते हैं, 10 से कितना कम है, 1 कम है। 10 से कितना कम है, 8 2 कम है। ये जो कम है, जितना कम है उसी का हम गुणा कर देते हैं, तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2। साथियों, इतना समझ आ रहा होगा, ये संख्या जो है 10 के निकट है तो 10 से कितना कम है ये पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। तो 10 से 9 कितना कम हुआ, 1। 10 से 8 कितना कम हुआ, 2। और जितना कम है उसी संख्याओं का गुणा करते हैं, तो 2 एकम 2। इतना समझ आ गया होगा। सेकंड बार में हम क्या करते हैं, किसी भी एक संख्या को लेते हैं और दूसरी संख्या का जो विचलन हमको प्राप्त हुआ है उसको हम घटा देते हैं। तो 9 में से 2 घटाएंगे या 8 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, चलिए देखते हैं। 9 में से 2 घटाओ, 7 हुआ। 8 में से 1 घटाओ, 7 हुआ। किसी भी संख्या को ले सकते हैं, तो जो आपको सरलता होगा उस संख्या को लेकर उसको सरल करेंगे। तो हम देखेंगे, चलो 8 में से 1 कम किए तो कितना हुआ, 7 हुआ। इस प्रकार से हमारा उत्तर एक ही पंक्ति में आसानी से बन जाता है। इसी प्रकार से एक और देख लेते हैं। चलिए, हम 8×7 कर दिए, 8×7 करेंगे है ना, या 9×7 कर देते हैं समझने के लिए। तो 9×7 किए तो यहाँ भी हमको पहाड़ा नहीं पढ़ना है। ये 9 से कितना कम है, 1 कम है। ये कितना कम है, 3 कम है। तो 3 और 1 का गुणा कर देते हैं, तो 3 1 का गुणा करेंगे तो 3 कम 3 हो जाएगा। अब 7 में से 1 कम करिए या 9 में से 3 कम करिए तो हमको प्राप्त होगा 6। 9 में 3 कम करेंगे 6, 7 में से 1 कम करेंगे तो 6। जो आपको सरल लगता है वो बनाएंगे। इस प्रकार से हम बिना बड़ी संख्याओं का पहाड़ा पढ़े एक ही पंक्ति में आपको उत्तर समझा रहे हैं।
देखिए इसी प्रकार से हम 100 जिसके निकट है ऐसे संख्याओं का गुणा भी बहुत आसानी से आपको बताएंगे। ध्यान पूर्वक समझिएगा। ये देखिए हम प्रश्न ले लेते हैं। 99 × 98 दूसरा प्रश्न ले लेता हूँ। 98 × 97। चलिए ना हमको 98 पार पढ़ना है नहीं 99 का, फिर भी हम बहुत सरलता से इस प्रश्न को आपको हल करके बताएंगे। ये देखिए ये 99 जो है और 98 जो है दोनों 100 के पास है, तो 100 के पास है तो हम क्या करते हैं, कितना कम है ये देख लेते हैं। ये 99 जो है एक कम है और 98 जो है दो कम है। अब कितना कम है उसी का हम गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2। और यहाँ 100 आधार है इसलिए 2 संख्या ले लेते हैं, तो 0 लिख दिए। उसके बाद 99 में से 2 कम करना है या 98 से 1 कम करना है, चलिए 98 में से 1 कम कर लो तो हो जाएगा 97। ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया, बहुत ही सरल। ये इसी प्रकार से इसको देखेंगे, 98 जो है 100 से 2 कम है, 97 जो है 3 कम है, तो 2 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। ये 2 अंक लाने के लिए हम 0 लगा देते हैं। इसी प्रकार से 97 में 2 कम कर दिए तो हो गए हमका 95, है ना। इसी प्रकार से बड़ी सी बड़ी संख्या का हम गुण आसानी से करते हैं। चलिए एक पर 84 × 98 देख लेते हैं। बड़ी से बड़ी संख्याओं को गुणा बहुत ही सरलता से बहुत ही कम समय में, आप प्रश्न लिखो उत्तर लिखो। ये कितना कम है, 2 कम है। ये कितना कम है, 16 कम है। 100 से 84 जो है 16 कम है और 100 से 98 जो है 2 कम है। और कितना कम है, 16 और 2 तो इन्हीं का गुणा करेंगे। 16 गुणी कितना हो जाएगा, 32। कितना हो गया, 32। अब 98 में 16 कम करना थोड़ा कठिन है तो हम ये देखेंगे 84 से 2 कम कर देंगे, बहुत सरल है। 84 से 2 कम करिए तो कितना हो जाएगा, 82। ये हमारा उत्तर हो गया। उसी प्रकार से और प्रश्न ले लेते हैं। चलिए 64 × 98 64 कितना कम है, 36। 64 से कितना कम है, 36। 98 कितना कम है, 2। तो 36 और 2 का गुणा कर देंगे तो 36 × कितना, 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 72। हाँ उसके बाद 64 में से 2 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 62। इस प्रकार से और आप प्रश्न ले सकते हैं। चलिए ले लीजिए 93 × 84। 93 × 84 लेते हैं तो ये 93 जो है 100 से कितना कम है, 7 कम है। और 84 जो है कितना कम है, 6 कम है। 93 100 से 7 कम है और 84 100 से 6 कम है, तो ये दोनों का गुणा कर देते हैं, 7 × 42। 7 × 42 और 93 में से 6 कम कर दिए तो कितना हो गया, 87। इस प्रकार से हमारा उत्तर एक ही पंक्ति में पूरा हमको प्राप्त हो जाता है। चलिए एक आध प्रश्न और देख लेते हैं। ले लेता हूँ मैं 82 × 96 कर देता हूँ। देखिए 82 कितना कम है, 18 कम है। 84 कितना कम है, 18। 96 कितना कम है, 4 कम है। कितना कम है, 4। 100 से 82 जो है 18 कम है और 96 जो है 4 कम है, तो दोनों जो कम है अर्थात जो इसका विचरण निकला है उसी से हम गुणा कर लेते हैं तो 18 × 4 कितना हो जाएगा, 72। 18 × 72। अब 82 में 4 कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 78। देखिए कितना सरल प्रश्न,
प्रश्न देखो, उत्तर बनाओ, दिमाग में ये रहना चाहिए कि ये आधार के निकट है तो इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। साथियों, ये वीडियो आप लोगों ने देखा, पहले में एक अंक का अर्थात जिसके आधार में 10 है वो वाला प्रश्न बताया, अभी ये जो बना है वो जिनके आधार 100 है अर्थात 100 के निकट वाली संख्या का गुणनफल बताया। इसी प्रकार से मैं 1000 की निकट वाली संख्या का गुणा आपको फिर सरलतापूर्वक बताता हूँ, ध्यान से वीडियो देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। चलिए, जिनके आधार 1000 है उस प्रश्न को हम सरलता से कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। चलिए, मैं प्रश्न ले लिया 996 गुणी 894। देखिए, बड़ा प्रश्न ले लिया, थोड़ा सा मैं जटिलता की ओर जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये 1000 के दोनों निकट है, दोनों संख्या 1000 के निकट है, तो उस 1000 के निकट है तो हम उसको गुणा किस प्रकार से सरलता से करेंगे, एक ही पंक्ति में करेंगे और कम समय में करेंगे, ऐसी स्थिति को आपको ध्यान में रखना है। कोई भी प्रतियोगिता के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। ये कितना हो जाएगा, 4 कम है 1000 से, 4 जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा। इस प्रकार हम कर सकते हैं, 996 जो है 1000 से कितना कम है, 4 कम है, ये कितना कम है, 106 कम है, जितना कम है उसको हम लिख लिए। इतना समझ आ गया, फिर से एक बार देख लीजिए, 996 जो है 1000 से कितना कम है, 4 कम है, 894 जो है 1000 से कितना कम है, 106 कम है, 106 जोड़ेंगे 894 में तो हमको 1000 प्राप्त हो जाएगा। साथियों, इतना समझ आ गया। अब हम सेकंड बार में क्या करते हैं कि ये दो कम कम निकला है, कितनी कम है उसी का हम गुणा कर देते हैं, तो 106 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 100 गुणा करेंगे 400 रुपये और 4 छक्के 24 अर्थात कितना प्राप्त होगा हमको, 424। साथियों, यहाँ तक समझ आ गया होगा, 106 से 400 उतना सरल है क्योंकि 100 से गुणा पहले 4 का करेंगे 400 होगा और 4 छक्के 24 तो हमको मालूम है तो 424 हम यहाँ लिख दिए। अब उसके बाद 894 में 4 कम कर देते हैं तो 894 में 4 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 890। ये हमारा उत्तर रहा, कितना सरल है। चलिए, इसी प्रकार से और प्रश्न देख लेते हैं, 992 गुणी 897। कोई भी प्रश्न ले लीजिए जो इसके आधार 100 1000 इसके निकट हो, है ना, तो ये कितना कम है, 8, कितना कम है, 8, ये कितना कम है, 103, 103 जोड़ेंगे 897 में तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 1000। उसी प्रकार से ये 992 में 8 जोड़ देंगे तो 1000 प्राप्त होता है। तो जितना कम है उसको हम पहले निकाल लेते हैं, अब निकालने के बाद सेकंड बार में क्या करते हैं, जो विचलन हमको प्राप्त हुए जो संख्या कम है उन्हीं का हम गुणा कर देते हैं, तो 103 में 8 का गुणा करेंगे तो ये 8, 100 गुणा करेंगे तो 800 हुआ और 8 का पारा 3 बार पढ़ना है तो 8 24 होता है तो कितना हो जाएगा, ये 824, कितना हुआ, 824। उसके बाद क्या करते हैं, 897 में से 8 कम कर देते हैं तो 7 तो कम हो जाएगा तो 890 होगा और एक और कम कर देना है तो कितना हो जाएगा, 889, कितना हो जाएगा, 889। देखिए, बड़े से बड़ी संख्याओं का गुणा हम एक ही पंक्ति में कैसे सरलता से हल करके बता रहे हैं। साथियों, ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, घर में इसी प्रकार से और प्रश्न हल करिएगा। साथियों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो यूट्यूब चैनल पर जाकर मालिक राम वर्मा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और जितना हो सके सबको शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए हम धन्यवाद।